नवादा जिले में वृद्ध महोत्सव दिवस मनाया गया। नवादा जिला अधिकारी के द्वारा बीते दिन 1 अक्टूबर को वृद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहा जाता है कि वृद्ध व्यक्ति पूरे परिवार पर बरगद की तरह छांव फैलाने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था में अकेला हो जाता है, असहाय और बहिष्कृत जीवन जीता है। उम्र के आखिरी पड़ाव में जहां बुजुर्गों को परिजनों के सहारे की जरूरत होती है, वहीं परिजनों का सहारा न मिलने पर वृद्ध आश्रमों और सामाजिक संस्थाओं की जरूरत उन्हें पड़ती है। बता दें कि इस दिन बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे कि बुढ़ापा और बड़े दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाकर छुट्टी मनाई जाती है। ये उन योगदानों की सराहना करने का भी दिन है जो वृद्ध लोग समाज में करते हैं। देख रहे हैं मरियाबाद में आपके साथ राजापुरी क्षेत्र। आज जिला वरीय नागरिक संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस टाउन हॉल में, नवादा टाउन हॉल में मनाया जा रहा है। ये हम लोग ज्यादा इस बात करते हैं इनका उद्देश्य क्या है और क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को। सदस्य ही वरीय नागरिक संघ वारिस अलीगंज से यहाँ डेलीगेशन जो है इस संगठन पूरे दिल्ली जिला में हर प्रखंड के लोग अपन उपस्थिति के हिसाब से इनकी ने हम सभी एक अच्छी खासी संख्या में वारिस अलीगंज से देश हमारा एक बात हमारा कहना है देश ये देश में वरिष्ठ बुजुर्ग के सम्मान में देश के कल्याण और बुजुर्ग कोई उन्हें शिकायत करे लगी जमाने हो लिए हम सब बात के लिए आलोचना की है। अगर कोई कम्फर्टेबल हम तो प्रशासनिक ध्यान हमारा पर करना है और हम सबके की चाहिए बहुत सा सहूलत हमारा मिल रहा है बहुत सरकार छीन ले जैसे वरीय नागरिक के हले रेलवे में 40% मिला के हले रिबेट उसको बंद कर देती किराया में यह लेकर के और समाज में ये अफवाह फैल मच जाए पूरी टिकट के खिलाफ हम सब एक एकजुट होकर के आंदोलन कर रही है। उद्देश्य हम लोग चल रहे हैं सब बुजुर्ग के एक साथ इकट्ठा करके ढंग से रहिए शांति बना के रखे और बच्चे को प्रेरित करते हैं हमारे संघ के कानून बताइए ना उसके बारे में तुम हमारे जनता को बता दो। ये साहब तो बहुत ढंग से बहुत अच्छी तरह से वो अपनी बात को रखें जो आम जनता के बीच की बात चाहे कोई भी किसी तरह से दिक्कत हो परेशानी हो सरकार एक ऐप बनाया है जिसमें है कि वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण और व्यवस्था उसकी व्यवस्था क्या होगा मेंटेनेंस के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों के नागरिकों के मेंटेनेंस के संबंध में एक ऐप जारी हुआ है। उस ऐप पर कंप्लेन करने के लिए डीएम साहिबा बताई और बाकी बात करनी आपका नाम मैडम बताइए कि अगर जो कोई भी बुजुर्ग को उनके बाल में तकलीफ देता हो तो आके शिकायत की जनता है इसके लिए हमारी जनता को कहना है। इसके लिए हमारा यही कहना है कि डीएम साहिबा ने कहा कि जिन बुजुर्गों को बाल बच्चा से मान सम्मान नहीं मिलता है उनको भरण पोषण में सुविधा नहीं मिलती है उनको इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलती है उसके लिए सरकार एक कानून बनाया है एक्ट जिसके तहत आप हमारे पास आइए या मंडल पदाधिकारी के पास जाइए वहाँ आपका उसका निदान हो जाएगा और हम लोग उसके लिए हमेशा माने तत्पर रहते हैं आप बुजुर्ग लोगों का समस्या का निदान करने के लिए यही डीएम साहबा का आज का संदेश हुआ। आइए हम जानते हैं दूसरे दादाजी से। दादाजी आप बताइए कि जो आज डीएम साहिबा के द्वारा सम्मानित हुए हैं क्या कारण था। डीएम महोदया हम लोगों के बीच में वृद्धजनों के बीच में आ करके वो संदेश दिए इससे हम लोग बहुत उन्होंने वृद्धजनों के लिए एक सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन में
मेंटेनेंस के लिए एक कानून बनाया है। उस कानून के अंतर्गत अगर किसी सीनियर सिटीजन को किसी प्रकार का उसके माने नीचे की पीढ़ी के बच्चे बाल बच्चे अगर किसी प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करते हैं तो वह अपना शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी को करें तो अनुमंडल पदाधिकारी उसके लिए मेंटेनेंस व्यवस्था सही ढंग से करवाएं। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि कोई भी वृद्ध जैसे दादाजी हो गए मामा जी हो गए अगर उनको कोई भी तकलीफ हो तो आके SDM साहब का शिकायत कर सकते हैं। उनका संपूर्ण सारा चीज व्यवस्था किया जाएगा इनके।